आज आप कुछ हेल्दी बनाने वाले थे, लेकिन सुबह को उठने के लिए लेट हो गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हेल्दी क्या बनाएं। तो आज तैयार करते हैं इसी के लिए एक इंस्टेंट डोसा रेसिपी। इसे बनाने वाले हैं हम ओट्स से, जो कि प्रोटीन फाइबर से भरपूर है। तो ये ओट्स डोसा इंस्टेंट है, आप जल्दबाजी में फटाफट से बना सकते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर कभी भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ओट्स लिए हैं। ओट्स को सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी या बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये सूजी भी हमें ग्राइंड कर लेनी है ओट्स के साथ ही। अब इसमें ही हम डालने वाले हैं दही। तो आधा कप दही इसके साथ ही हम इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ में इसी में डालकर हम डालेंगे आधा कप पानी। तो हमें आधा कप दही और आधा कप पानी लिया है और दोनों ही चीजों को ग्राइंड करेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर देखिए, काफी थिक है। इसको एक बार मिक्स करके चेक कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा थिक है और ग्राइंड नहीं हो पा रहा है अभी। तो मैं इसमें आधा कप पानी और डाल लेती हूँ और एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि ये इजी रहेगा ग्राइंड करना। तो ओट्स का जो डोसा है इंस्टेंट बन जाता है, इसको फर्मेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई से रखना नहीं है बिल्कुल भी, और आप इंस्टेंट इससे डोसा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम एक बार फिर ग्राइंड करेंगे और बस हमारी जो डोसा बनाने की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और पेस्ट हमें मिल गया है। अक्सर हम दाल से बनाते हैं, सूजी से भिगोकर बनाते हैं, लेकिन इसको हमें इंस्टेंट तैयार करना है। बस इसको हम बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चेक करते हैं इसका टेक्सचर, तो ये काफी थिक है, अभी डोसा नहीं बन पाएगा। तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करना है। तो इसमें हम जार में जो बैटर लगा हुआ है उसी में हमने आधा कप पानी डाला है ताकि वो वेस्ट ना जाए। बस ये हम डोसा बैटर में डाल देंगे, बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से फ्लफी हो जाए। थोड़ा सा पेट लेंगे, करीब 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि हमने इसे फर्मेंटेशन के लिए नहीं रखा है। तो बस इसको थोड़ा सा पेट लें। तो जैसे जैसे आप फेटेंगे काफी फ्लफी और लाइट हो जाता है। अब देख रहे हैं ना, इसका टेक्सचर काफी फ्लफी हो गया है ये, और फेंटने में ही काफी लाइट हो गया है क्योंकि हमने इसमें डाला भी कुछ नहीं है, फर्मेंटेशन के लिए भी नहीं रखा था। और इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद देखते हैं, इस बैटर को एक बारी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसे हमें अभी और फेंटना है 3 से 4 मिनट तक। जितना अच्छे से हम इसको फेटेंगे उतना ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी डोसा तैयार होगा। इसकी मेन चीज है इसको जितना आप बीट कर सकते हैं, फेट सकते हैं, फ्लफी बना सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए इसका टेक्सचर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, फ्लफी है। तो अब इसमें डाल लेते हैं नमक, क्योंकि अब तक हमने नमक नहीं डाला था। तो स्वाद अनुसार आप इसमें नमक मिक्स कर लें। अगर आप कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना पसंद करते हैं तो ये बेस्ट आइडिया है कि ओट्स का डोसा। ओट्स से बहुत सारी चीजें बनाते हैं लेकिन डोसा बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें मैंने डाला है इसमें 1 इनो का सैशे और 1 चम्मच पानी। बस हल्का हल्का सा फेटेंगे, इसको मिक्स ही करना है बस, और देखिए कितना फ्लफी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा डोसा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है और इतना बढ़िया इससे डोसा बनता है, एकदम हेल्दी सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। तो जब भी जल्दबाजी में हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है अच्छे से और उस पर पानी का छीटा दिया है। उसके बाद उसको क्लीन कर लिया है, फिर एक बार इसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो ये डोसा बनाने से पहले ये प्रोसेस जरूर करना है, इससे बहुत ही बढ़िया डोसा है और क्रिस्पी बनता है। अब हम डालेंगे अपना डोसा बैटर तवे पर और बस हल्का सा इसको इस तरह से घुमाएंगे और इससे फैला लेंगे।
देखिए कोई झंझट नहीं था, कोई ज्यादा सामान नहीं, और कोई हमने फर्मेंटेशन के लिए इसको नहीं रखा है, और कोई भिगोई भी नहीं है चीज की। दाल चावल हमें रात में पहले भिगोने पड़ते हैं, तो कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो अगर इंस्टेंट आप डोसा बनाना चाहते हैं या जल्दी में कोई ब्रेकफास्ट हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इस पर हम जब ये ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस आधा चम्मच, और उसे ब्रश कर देंगे। बस अब मीडियम हीट पर इसको इसी तरह से गोल्डन होने तक कुक करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए धीरे धीरे ये अपने आप ही निकलने लगा है और लाइट गोल्डन कलर इसमें आ गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मैं आपको चेक कर आ रही हूँ यहाँ से। देखिए कितना क्रिस्पी कलर, कितना बढ़िया आया है। तो बस इसी तरीके से हम अपने सारे डोसे तैयार कर लेंगे। कितना बढ़िया क्रिस्पी है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसे तो मैं सर्व करने वाली हूँ यहाँ पर चटनी के साथ, जो कोकोनट चटनी है और टमाटर प्याज की चटनी आती है, लाल वाली चटनी होती है, रेड वाली डोसे के साथ। तो अभी मैंने उसकी रेसिपी भी पहले शेयर की है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं चटनी की रेसिपी। तो रेड चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, जो टमाटर और प्याज के साथ बनती है। तो देखिए बस इसी तरह से हम अपने सभी डोसे तैयार करेंगे। ये डोसे का जो बैटर है बहुत पतला नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जब हम इसे फैलाते हैं तो डोसा बहुत ज्यादा पतला नहीं बनेगा। आप सोचें बहुत पतला फैला लें तो वो नहीं फैलेगा, और बैटर भी थोड़ा सा थिक रहता है। तो देखिए कितना बढ़िया बना है। अगर ज्यादा पतला बैटर हो जाता है तो ये एक चीले की तरह बन जाएगा, तो इसलिए इसको ज्यादा पतला ना करें। अब हमारे डोसे तैयार हो गए हैं और इसे मैंने कोकोनट चटनी के साथ बस सर्व किया। देखिए इसका क्रंच कितना बढ़िया है ना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और साथ ही ना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे काफी मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।